साथियों नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं लखनऊ में, जहाँ पे उपस्थित है यह स्थल कांसीराम स्मृति उपवन है। यहाँ पे संविधान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ में उपस्थित हैं एक ऐसे साथ जो बाबा साहब के हम शक्ल हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि आज संविधान दिवस है और बाबा साहब हमारे पास खड़े हैं और भारतीय संविधान लेकर खड़े हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे ये कहां से हैं और कौन हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, आपका स्वागत करता हूँ। आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ और अखिल भारतीय मताधिकार समिति चलाता हूँ और जय संविधान नारे का उद्घोषक हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि पूरे देश के अंदर आज संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन संविधान का जो कब्जा है वो मनुवादियों के हाथों में है। और मैं चाहता हूँ कि मनुवादियों के हाथों में से कब्जा अगर आपको निकालना होगा तो देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज एकजुट होकर मताधिकार का अपना अधिकार कर अपने संविधान को बचाने के लिए आने वाले 2020 के अंदर बहुजन समाज का सीएम चुने। संविधान को बचाने के लिए किसको चुनेंगे सीएम के तौर? देखो, आप अगर इतिहास देखेंगे तो 74 साल हो गए संविधान को हमें देखे, लेकिन आज तक हमारे जो समाज के अंदर जो 90% लोग है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इनको जो डिवाइड एंड रूल के माध्यम से तोड़ा गया, बरखोड़ा गया, उनके वोट छीने गए और संविधान ये मनुवादियों के हाथ में गया, इसीलिए मनुवादियों के हाथों से संविधान छीनना होगा तो देश के 90% एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को एक आना होगा। और आने वाले दिनों में जो बाबा साहब संविधान को मानता है, देश को मानता है, संविधान को बचाने के लिए बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, ऐसे पार्टियों को चुनके लाने के लिए मैं यहाँ पर अपील करता हूँ। माना जाए तो इस कार्यक्रम में जो है सभी पार्टियों के लोग आए हैं, लेकिन बसपा की पार्टी के लोग नहीं आए हैं और अखिलेश यादव मुख्य अतिथि हैं यहाँ के, लेकिन आरक्षण बिल प्रमोशन के बिल फाड़ दिए थे अखिलेश यादव, तो कैसे संविधान के हितैषी हो सकते हैं, बहुजन समाज के हितैषी कैसे हो सकते हैं? देखो, ये जो सांसद बन के जाते हैं, जब संविधान के अंदर जब एससी एसटी मुस्लिम समाज के विरोध में तो कोई भी बिल पास होता है तो हमारे वहाँ जो बैठे हुए दल्ले है 131 जो हमारे सांसद है और जो हमारे विपक्षी पार्टियां है, ये कमजोर पड़ जाती है क्योंकि इनके कारनामे कमजोर है और इनके ब्लैक लिस्ट में नाम होने के कारण ये मनुवादी लोगों से डरते हैं, ईडी से, सीबीआई से ये डरते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर देश का जो जस्टिस सिस्टम जो अच्छा होगा उसमें अच्छे लोग रहेंगे तो आने वाले दिनों में बहुजन समाज के लोग सीएम पीएम बनेंगे। उसके लिए मैं पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय मताधिकार के माध्यम से मतदाताओं को एक एक करके आने वाले 2022 में और 2024 के अंदर मैं बहुजन समाज का सीएम और पीएम बनाना चाहता हूँ। लगातार जो है आप टहल रहे थे अभी आप हमसे मिले और हमें एक चीज खास देखने के ये मिला कि आप जो बाबा साहब के रोल में हैं और बाबा साहब के हम शक्ल हैं, चश्मा सेम है, भारतीय संविधान लिए हैं और जो आपका पहनावा है पूरे पूरे पहनावे बाबा साहब के रोल में है, नीली कोट है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बाबा साहब के आप समर्पित हैं? देखो, बाबा साहब का पूरे देश के ऊपर कर्जा है और बाबा साहब ने पूरे देश के लिए सर्व धर्मों को सम अधिकार दिया है, तो बाबा साहब के सभी धर्मों को, सब देशवासियों को बाबा साहब का संविधान रक्षण करने का, संरक्षण करने का अधिकार है। और मैं चाहता हूँ कि देश के इस, अगर ये मीडिया आपके मीडिया के माध्यम से अगर मेरी बात लोग जो भी लोग सुनेंगे उनको मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने एरिया में जो भी सांसद आएगा, जो विधायक आएगा, उसको हम लोग निवेदन अपील करेंगे कि बाबा साहब के संविधान के लिए बचाने के लिए आप विधानसभा में जाए और लोकसभा में जाए, ऐसा मैं उनको विनंती करूँगा। और हर मतदाता को विनंती करूँगा कि आने वाले दिनों में भाजपा मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत बनाने के लिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग को मैं अपील करता हूँ। बीजेपी को हराने के लिए अपना दल समाजवादी बहुजन मूलवासी कांसीराम पार्टी ये सब एक हो गई और यहाँ पे इकट्ठा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, ये क्या राजनीति है? देखो, उनके पास हमारे प्रतिनिधि गए थे, लेकिन बाबा साहब के विचारधारा के, बाबा साहब के पोते यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब के दोनों पोते यहाँ पर आए, वो चाहते कि वो हमें आके मिले, हमसे बात करें, हम भी उनके पास जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हमारे समाज के जो
जो राजनीतिक पार्टियां है जो बाबा साहब करने के नाम लेके जो दुकानें खोली है उनको अहंकार आया है, उनको कैंसर हुआ है, जीको का कैंसर हुआ उन्हें अहंकार आने की वजह से कि बाबा साहब के जो नातू है पोते इनको मानते नहीं है और पैसे के जोर से समाज को गुमराह करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं सभी समाज के बहुजन मानने वाले लोगों को बाबा साहब मानने वाले लोगों को अपील करता हूँ कि आपका अहंकार छोड़िए और बाबा साहब की विचारधारा के सरकार बनाइए और आप खुद सीएम पीएम बनाए और देश के समाज को देश के एससी एसटी ओबीसी लोगों का हक अधिकार को बचाए, ऐसी मैं सभी पार्टियों को अपील करता हूँ। लगातार जो है लोग कहते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक चुकी है, मिशन उनका 85 और 15 का था, क्या सही है? देखो कहने को बहुत कुछ लोग कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ मिशन मिशन होता है। कांशीराम साहब ने मिशन चलाया था पूरे देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी लोगों को 85% लोगों को इकट्ठा करने के लिए जोड़ा था, उसके अंदर ब्राह्मण लोग भी आते हैं। लेकिन बहन जी के हाथ में जब से सरकारें गई जब से गवर्नमेंट गई तो मैं चाहता हूँ कि भाई भजन भाई भी बहुजन समाज के आपके लिए काम करेगी, ऐसा मैं उनको अपील करता हूँ। भाई जी के ऊपर पूरे समाज का विश्वास है और बाबा साहब के पोते भी समाज का विश्वास है, हम चाहते हैं कि ये सब एक होकर बाबा साहब के संविधान को बचाए। आखिरी सवाल ये है 2022 के चुनाव को लेकर इस प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? तो हम पूरे भारत जो प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 18-19-20 करोड़ लोग यहाँ पर मतदाता रहते हैं, मैं सभी मतदाता को विचार करूँगा, बोलूँगा, अपील करूँगा, विनंती करूँगा, हाथ जोड़ूंगा कि अगर आपके पास कोई प्रत्याशी आए कोई विधायक आए तो उसे पहले बाबा साहब के संविधान की शपथ लेना करने के बोलना चाहिए और उनको शपथ लेने के बाद बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर हम सरकार में रहेंगे और बाबा साहब के अधिकार जो समाज को एस सी एस टी ओ बी सी मुस्लिम समाज को जो अधिकार दिया उसकी हम रक्षा करेंगे, ऐसे आप और आने वाले जो हमारे जो मताधिकार के समिति के पदाधिकार होंगे उनको भी मैं अपील करता हूँ कि मतदान कर रहे हैं, आप बीजेपी छोड़ के बाबा साहब के मिशन वालों को मतदान करें। आपने सुना ना कि लगातार जो है बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां एक हो रही हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो एक होने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पे काफी आक्रोश है। बाबा साहब के हम सकल के व्यक्ति को वो कह रहे हैं कि अब उनके अंदर घमंड हो गया है और अब बीजेपी को हराना है इसलिए सबको एक मंच पे आना है, ऐसा मैसेज लगातार उत्तर प्रदेश से आ रहा है। इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जुड़िए।